वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद यादव। कोरोना के संक्रमण के बीच भारत में अंधविश्वास का बाजार भी गर्म हो गया है। कई जगह इसके इलाज के फर्जी दावे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति कोरोना वाले बाबा का पोस्टर लगाकर लोगों को धोखा दे रहा था। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है वह व्यक्ति और कैसे दे रहा था लोगों को धोखा। लखनऊ के डालीगंज इलाके में एक व्यक्ति कोरोना वाले बाबा का पोस्टर लगाकर कोरोना ठीक करने का ताबीज 11 रुपये में बेच रहा था। इस व्यक्ति का नाम अहमद सिद्दीकी बताया जा रहा है। यह फर्जी बाबा पोस्टर के माध्यम से कोरोना ठीक करने का दावा कर रहा था। यह पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। पुलिस ने बाबा का पोस्टर हटवाकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लखनऊ में अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव के 2 मामले सामने आए हैं और 11 मरीजों को एकांत में रखा गया है, जिनकी रिपोर्ट आने का अभी इंतजार है। यही नहीं, अखिल भारत हिंदू महासभा ने दावा किया है कि गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। ऐसे में इन्होंने दिल्ली में एक गौमूत्र पीने की पार्टी का आयोजन भी किया। इस कार्यक्रम का पोस्टर और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें आपको कई लोग गौमूत्र से कोरोना वायरस ठीक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसी चीज़ों से दूर रहें, यह बिल्कुल ही गलत बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ के आलमबाग में डॉक्टर विभा पांडे नाम की एक महिला डॉक्टर ने कोरोना वायरस ठीक करने के दावे किए हैं और इसके लिए बाकायदा उन्होंने पोस्टर भी लगवाया है। जब पुलिस को इसके बारे में पता चली तो वहां सीएमओ टीम ने क्लिनिक के बाहर लगा पोस्टर हटवा दिया। लोगों को ऐसे फर्जी डॉक्टरों से दूर रहने की जरूरत है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए अभी तक किसी भी प्रकार का दवा मार्केट में नहीं आया है और ना ही यह बनी है। कुछ डॉक्टरों के मुताबिक इससे बचाव के लिए सावधानी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होनी चाहिए। राज्य के आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर संजीव रस्तोगी ने मीडिया को बताया कि कोई वायरस सबसे ज़्यादा अपना शिकार बच्चे और बुजुर्ग को जल्दी बनाता है। ऐसे में इन्हें खान पान और अपने दिनचर्या पर खास ध्यान रखना चाहिए। कोरोना वायरस की अभी कोई दवा मार्केट में नहीं आई है, इस कारण ऐसी अफवाह से बचने की कोशिश करें और इनके चुंगुल में ना आए। तो कैसी लगी है हमारी रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।